हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिम्स ऑर्बिट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजनिंग का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है मिरर एंड वाटर इमेजेस बेस्ड क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले आइए आपको कल का होमवर्क क्वेश्चन करा देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इनको कैसे करने होंगे। तो सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चन कर लेते हैं। कल आपको क्वेश्चन क्या दिया गया था? फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द गिवन डायग्राम। अगर आपको ट्राइंगल काउंट करना नहीं आ रहा है इस डायग्राम में, तो आप कल का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आपको एकदम बेसिक से बताए गए हैं सारे कॉन्सेप्ट, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या था इसमें? फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द गिवन डायग्राम। हमने आपको क्या बताया था? जितने बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं उसको नंबरिंग कर लीजिए। तो यहाँ पर कितने बॉक्स दिखाई दे रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर 5 बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये लाइन जो है ये यहाँ से टॉप से आई है कॉर्नर से और पूरे इस कॉर्नर को टच कर रही है। ठीक है, यानी कि आपके बेस जो है ये ABC इसको टच कर रही है। अगर हम इसको नेमिंग कर देते हैं ABC, तो सारी लाइन जो है वो A से आई हुई है और BC पे टच हो रही है। तो आपके सारे प्रॉपर क्या हो गए? पार्ट्स हो गए। हमने इसी पार्ट को नंबरिंग कर ली, 1, 2, 3, 4, 5। अब जितनी नंबरिंग यहाँ पर है, सेम यही नंबरिंग यहाँ पर भी ऊपर वाले में, और वही नंबरिंग यहाँ पर भी है, वही नंबरिंग यहाँ पर भी होगी। यानी कि आपको क्या करना है? इन सारे नंबर को एक बार ऐड कर लेना है, उसके बाद आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐड कर लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो 1 + 2 कितना हो गया? 3। 3 + 3 6। 6 + 4 10। 10 + 5 कितना हो गया? 15 हो गया। यानी कि इस वाले डायग्राम में कितने ट्राइंगल बन रहे? टोटल 15 ट्राइंगल यहाँ से आपको मिलेंगे। ठीक है, 15 ट्राइंगल आपको यहाँ से मिलेंगे, और 4 में सेम नंबरिंग है, इसलिए आप क्या करोगे? 15 को मल्टीप्लाई कर लो 4 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 60। तो ओवरऑल जो ये वाला डायग्राम आपको दिया गया था होमवर्क क्वेश्चन में, इस वाले टोटल डायग्राम में जो ट्राइंगल बन रहे हैं, इसमें टोटल 60 ट्राइंगल बनेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप कल का वीडियो देखिए, उसमें हमने बहुत ही बेसिक से बताया है, आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आज का मिरर एंड वाटर इमेजेस बेस्ड क्वेश्चन। स्टार्ट करने से पहले आपको जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन सारे की मिरर इमेजेस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे सारे अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, लेटर्स दिए गए हैं, और उसकी मिरर इमेजेस जो होती है वो आपके सामने शो हो रही है। तो देखिए, ए की मिरर इमेज क्या है? ए की तो मिरर इमेज सेम एज इट इज़ रहेगी। बी की मिरर इमेज देखिए आपकी स्क्रीन पर है। सी की, डी की, सभी की मिरर इमेज आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। ओके, तो ये है सारी मिरर इमेजेस। अब हम लोग देख लेते हैं कि वाटर इमेजेस कैसी होती है। तो ये आपको शो हो रही है सारे लेटर्स की वाटर इमेजेस। ये हैं लेटर सारे इस वाले में, और यहाँ पे आपको दिया गया है इसकी वाटर इमेजेस। तो देखिए, ए की वाटर इमेज क्या होगी? चेंज हो जाएगी। अभी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे तो एक बार बता देंगे अच्छे से कि मिरर इमेज हम लोग कैसे देखते हैं और वाटर इमेज हम लोग कैसे देखते हैं। पहले अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या दिया गया है। चूज द अल्टरनेटिव विच इज क्लोजली रिसेम्बलेंस द वाटर इमेजेस ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। अब देखिए, आपको अगर वाटर इमेज किसी की देखनी होगी, सपोज मंडे है, यहाँ पर हमने लिख लिया MONDAY, ये हो गया मंडे। अब आपको इसकी वाटर इमेज देखनी है, यानी कि आपको क्या करना होगा? यहाँ से देखना होगा, इसको जस्ट अपोजिट कर देना होगा। क्या करना होगा? इसको जस्ट अपोजिट कर देना होगा। यानी कि एम को अब हम कैसे बनाएंगे? इस तरह से कुछ बनाएंगे, वो तो आपका एज इट इज़ रहेगा। एन को हम क्या करेंगे? कुछ ऐसा बना देंगे। फिर डी कैसे बनेगा? इसको अगर हम अपोजिट करेंगे डी को, तो आपका डी जो है ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, डी जो है वो ए की तरह कुछ दिखने लगेगा, और एक ऐसा हो जाएगा तो ये और अपोजिट हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसको इधर करके बनाते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर रहे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है MONDAY, और आपको वाटर इमेज लेनी है तो आप ऐसे लोगे, नीचे साइड उसका लोगे, तो यहाँ पे M का क्या हो जाएगा? ऐसे हो गया O, फिर ये हो गया N का। D आपका कैसे बनेगा? A की तरह बना लीजिए। उसके बाद A कैसे बनेगा? तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, और Y कैसे होगा? तो Y जो होगा वो ऐसे करके पलट जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो आप देख लो डायग्राम में, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और मंडे की जो वाटर इमेज है वो कैसी हो रही है? तो ऑप्शन नंबर 4 की तरह आपकी बन रही है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर आपको वाटर इमेज लेनी होगी तो आप उसको नीचे से अपोजिट करोगे,
और अगर आपको सेम मान लीजिए यहाँ पे मिरर इमेज लेनी होती तो आप मिरर रखोगे यहाँ पे, और फिर ये कुछ इस तरह से बनेगा, वाई पहले आएगा फिर ए आएगा, कुछ ऐसा बनने लगेगा मिरर इमेज में, ठीक है। और वाटर इमेज में क्या होता है, वाटर इमेज में जो अल्फ़ाबेट पहले है वही पहले रहेगा, बस उसको हमें क्या करना है, चेंज कर देना, यानी कि उसकी वाटर में हमें इमेज देखनी है कि वो किस तरह से दिखेगा। आप लोग ट्राई भी कर सकते हो, कुछ अल्फ़ाबेट को लिख लो पेपर में और उसको ले जा करके वाटर में देखो, फिर उसको ले जाके मिरर में देखो, देखिएगा आप लोगों को चेंजेस समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का था वो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ओके। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको दिया गया है, चूज द अल्टरनेटिव विच इज़ क्लोजली रिसेम्बलेंस द वाटर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। अभी हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं वाटर इमेजेस के, और इसके बाद के जो 5 क्वेश्चन आएंगे वो आपको मिलेंगे मिरर इमेज के बेस्ड, ओके। तो 5 क्वेश्चन हम लोग पहले वाटर इमेजेस पे सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको दिया गया है ब्रिज, ब्रिज की आपको देखनी है वाटर इमेज, तो हमें क्या करना होगा, इसको जो अल्फ़ाबेट पहले है वही हमें रखना होगा, बस इसकी वाटर इमेज कर देनी होगी, यानी कि इसको अपोजिट करके चेंज करना होगा। तो आइए लिख लेते हैं BRIDGE, ये हो गया ब्रिज, और इसकी वाटर इमेज देखनी है तो हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करनी होगी। कर ली हमने लाइन ड्रॉ, अब बताइए जल्दी से बी का वाटर कैसे बनेगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। आर का कैसे बनेगा, तो ये कुछ ऐसा समथिंग बन जाएगा, ठीक है। आर को हम लोग अगर अपोजिट करके बनाते हैं तो आर कैसे बनेगा, ये यहाँ से आप ऐसे करके ऐसे बना सकते हो। फिर आई कैसे बनेगा, इसको बस ऐसे कर लीजिए। डी ए के तरह बन जाएगा। जी कैसे बनेगा, जैसे आपने इधर बनाया है तो इधर से करके कुछ ऐसा बन जाएगा, और ई जो होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये हो जाएगी आपकी ब्रिज की वाटर इमेज, ओके। कोई ऑप्शन देखिए, कोई ऑप्शन आपको समझ में आ रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आर का हम आपको एक बार और क्लियर कर देते हैं, जैसे भी हमने आपको सारे अल्फ़ाबेट दिखाए थे तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये आर जो है ये इधर ऐसे बना है, अगर इसकी आप वाटर इमेज लोगे तो ये कैसी बन जाएगी, ये कुछ इस तरह से बनेगी, तो आपका इसलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड ही करेक्ट होगा, ओके। क्लियर हो गई चीज़ें, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड अब आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पे आपको क्या करना है, वाटर इमेज ड्रॉ करनी है। किसकी वाटर इमेज, तो A1BM3B की, ठीक है। क्या है, A1M3B की आपको बनानी है वाटर इमेज। तो वाटर इमेज के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो दिया है उसको आप लिख लीजिए एज इट इज़, A1M3B हमने लिख लिया। अब वाटर इमेज बनानी है तो हमें कुछ ऐसा करना होगा, अब उसी के नीचे हमें लिख देना होगा। अगर आपको यहाँ पे मिरर इमेज बनानी होती तो आप ऐसे करते और जो लास्ट वाला अल्फ़ाबेट है वो सबसे पहले आता, फिर उसी तरह से सीक्वेंस फॉलो होता, ओके। पर वाटर इमेज में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो यहाँ पे पहले है वही वाटर इमेज में भी पहला अल्फ़ाबेट होगा। तो क्या होगा, ए होगा। ए को हम लोग वाटर में देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, वन को देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, एम जो है ये इस तरह से अपोजिट हो जाएगा। अब वाटर इमेज में जो थ्री है उसका साइन एज इट इज़ रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। मिरर इमेज में ए का और वाटर इमेज में थ्री का साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये है बी, अब बी का हम बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये हो गया A1M3B का वाटर इमेज। कौन सा ऑप्शन आपको समझ में आ रहा है, तो इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ओके। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर में देखिए क्या करना है आपको, वाटर इमेज ड्रॉ करनी है किसकी, रोट की, WROTE, बहुत ही सिंपल सा है, हम लोग इसको लिख लेते हैं WROTE। आर थोड़ा सा हम बता देते हैं कि आपको आर जो है वो ऐसी चीज़ बनानी है जो आपको डायग्राम में गिवन है, ठीक है। WROTE ये हो गया रोट, बनानी है वाटर इमेज तो इसको ऐसे कर लीजिए। अब W का अगर हम लोग वाटर में देखेंगे तो कैसे आपको मिलेगा, कुछ इस तरह से मिल जाएगा या M की तरह हो जाएगा। R को हम लोग देखेंगे तो R देखिए, हमने अभी आपको वन में क्या बताया था, जिधर साइड ये चीज़ रहेगा ना उधर साइड आपको वाटर में भी ये चीज़ करना है, बस हमने लाइन खींची ऐसे कर दिया तो ये बन गया आर की वाटर इमेज। ओ है तो ओ तो एज इट इज़ रहेगा। टी कैसे हो जाएगा, तो टी कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इधर साइड आपने बनाया है तो इसको भी इधर से करके ऐसे कर लीजिए। ई ई कुछ ऐसा हो जाएगा, ओके। तो ये बन गया रोट की वाटर इमेज, तो आपका आंसर इसमें भी करेक्ट है ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर हो गया अच्छे से,
जब भी आपको वाटर इमेज बनानी होगी नीचे से आप लोग लाइन ड्रॉ करो और एज इट इज बना लो। बहुत ही सिंपल होता है वाटर इमेज बनाना। आइए हम लोग चलते हैं वाटर इमेज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 5th है। इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे कि मिरर इमेज कैसी बनाई जाती है। ठीक है, आइए हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पहले फ्रॉग की वाटर इमेज। तो यहाँ पे हमें बनानी है FROG की वाटर इमेज। वही काम, नीचे से लाइन ड्रॉ किया हमने, एफ है। अब देखिए एफ में दोनों लाइन कैसे इधर साइड है, तो आपको भी क्या करनी है, लाइन को इधर साइड कर देनी है। ठीक है, आर में भी देखिए मेन पोर्शन उधर साइड है, तो आपने ऐसे लाइन ड्रॉ की, उसके बाद ऐसे करके ये चीज़ इधर कर दिया, तो ये बन गया आर। ओ तो एज इट इज़ रहेगा। और जी हमें कैसे बनाना है, तो जी को हमें क्या करना है, इस तरह से कुछ करके ऐसे, फिर ये हो गया जी आपका। तो ये बन गया फ्रॉग की वाटर इमेज। क्लियर होगा अच्छे से, तो आपका आंसर करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर 1, जो कि है फ्रॉग की रियल वाटर इमेज। क्लियर हुआ अच्छे से यहाँ तक, तो हम लोग चलते हैं मिरर इमेज पे। आइए हम लोग देख लेते हैं मिरर इमेज वाले क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे। मिरर इमेज में सबसे पहले आपको करना है रीजनिंग का मिरर इमेज बनाना है। तो बहुत ही बढ़िया, रीजनिंग आप लोग पढ़ रहे हो, और जल्दी से बताइए कि रीजनिंग की ही मिरर इमेज क्या होनी चाहिए। तो जो स्टार्टिंग से हम आपको कहते आ रहे हैं कि वाटर इमेज में आपके अल्फ़ाबेट जो है सेम एज इट इज़ आएंगे, जैसे कि वाटर में डब्लू पहले आता है, तो आपको डब्लू को ही वाटर इमेज जब उसकी बनाओगे तो डब्लू को ही पहले रख दोगे। पर मिरर इमेज में ऐसा नहीं होता है। मिरर इमेज में मान लीजिए आपको मिरर की बनानी है मिरर इमेज, तो आप लोगों का जो सबसे लास्ट होगा यानी कि आर होगा, वो मिरर इमेज में सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, आइए हम आपको रीजनिंग करते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं। अब आपको बनानी है रीजनिंग की मिरर इमेज, आप लोग रख लो यहाँ पे। ठीक है, मिरर कहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रखोगे। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आ जाएगा जी। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आ जाएगा जी। तो जी की मिरर इमेज कुछ ऐसी बन गई। उसके बाद आएगा एन, एन की मिरर इमेज कैसे बनेगी, देखिए एन की मिरर इमेज ऐसे बनेगी। फिर आई का तो एज इट इज़ रहेगा, फिर एन आपको बनाना है, तो एन को आप लोग क्या करो, कुछ ऐसा बना लो। ठीक है, ओ भी एज इट इज़ रहेगा। फिर क्या है, एस है, एस को हम लोग बनाएंगे तो एस ऐसे हो जाएगा। ए एज इट इज़ रहेगा मिरर इमेज में। ई देखिए आपका इस तरह से है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा। और फिर आपको बनाना है लास्ट में आर, तो आर कैसे बनेगा, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो होप सो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि मिरर इमेज में हमें क्या करना है, जो सबसे लास्ट में उसको सबसे पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, और फिर उसके बाद, इस तरह से सिक्वेंस चलता रहेगा। और जो सबसे पहला है वो क्या होगा, सबसे बाद में आएगा। ठीक है, तो मिरर इमेज में क्या होता है और वाटर इमेज में क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अब आप लोगों को सामने आराम से दिख रहा है कि रीजनिंग की मिरर इमेज क्या बन रही है, तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2nd। ओके, ये रही रीजनिंग की मिरर इमेज। आइए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है नंबर 247596, इसकी आपको बनानी है क्या मिरर इमेज। तो वही काम करते हैं, मिरर को यहाँ पे रखते हैं, जो सबसे लास्ट में नंबर है उसको क्या करना है, सबसे पहले रख लेना है। तो सबसे लास्ट में है 6, इसको हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। फिर है 9, तो इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे तो मिरर में कैसा आएगा, तो 9 जो है ये मिरर में कुछ इस तरह से आ जाएगा। फिर क्या है, 5 है, 5 को आप लोग ड्रॉ कर लो, कैसे आएगा मिरर में, कुछ ऐसा आ जाएगा। फिर क्या है, 7 है, 7 को ड्रॉ करेंगे तो ऐसे होगा। 4 को ड्रॉ करेंगे तो कैसे आएगा बताइए, 4 को ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। फिर है 2, 2 को ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा करके आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी ये हो गई 247596 की मिरर इमेज। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4th करेक्ट है, जो कि एग्जैक्टली 247596 की मिरर इमेज को दिखा रहा है। क्लियर हुआ, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, तो अब आपको ड्रॉ करनी है मिरर इमेज नेशनल की। जल्दी से ड्रॉ करिए खुद से, नेशनल की मिरर इमेज क्या होनी चाहिए। नेशनल के बगल में मिरर को रखिए, सबसे पहले एल को बनाइए। तो एल देखिए कैसे बनना चाहिए, जल्दी से बताइए। एल आपका बनेगा कुछ इस तरह से। फिर ए तो हम लोग चेंज ही नहीं करते, मिरर इमेज में भी वैसे ही रहेगा वो। एन अभी हमने आपको बताया कि ऐसे बनता है। ओ को भी हम लोग नहीं चेंज करते, आई को भी नहीं चेंज करते, टी को भी नहीं चेंज करते। फिर उसके बाद है ए, ए को भी नहीं चेंज करते। तो ये वाला डायग्राम आपके लिए बहुत ही सिंपल था। नेशनल में मोस्टली चीज़ें जो थी वो चेंज ही नहीं हो रही थी।
आपको बस करना था एन को चेंज और एल को चेंज, बस आपका पूरा बन गया डायग्राम। तो जल्दी से बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। ओके, नेशनल की मिरर इमेज क्या है, इस तरह से कुछ बनेगी। क्लियर हुआ? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना है, चूज द अल्टरनेटिव विच इज क्लोजली रिसेम्बलेंस द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। आपको किसकी मिरर इमेज बनानी है, इफेक्टिव की मिरर इमेज बनानी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मिरर रखना है, जो सबसे लास्ट में है उसको सबसे पहले बनाइए। तो सबसे लास्ट में देखिए क्या है, ई है, इसको हमने सबसे पहले बना लिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसको ढूंढिए, उसके बाद है वी, तो इसको हमने बना लिया। फिर क्या है, फिर है आई, फिर है टी, देन उसके बाद क्या है, उसके बाद है सी, फिर उसके बाद है ई, देन उसके बाद है एफ। एफ को कैसे हम लोग बनाएंगे, जल्दी से बताइए। एफ की अगर हम लोग मिरर इमेज बनाते हैं तो वो कैसे होगा, वो हो जाएगा कुछ आपका इस तरह से। उसके बाद फिर से एफ है तो ये हो गया, देन उसके बाद ई है तो आपका क्या हो गया, ये ऐसे करेक्ट हो गया। ओके, क्लियर हुआ? तो आप लोग ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ई वी आई टी सी ई एफ एफ ई। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट, जो कि है इफेक्टिव की मिरर इमेज। क्लियर हो गई आपको सारी चीज़ें अच्छे से, लास्ट में जो है उसको सबसे पहले, उसके बाद फिर एज इट इज सिक्वेंस चलता रहेगा और आपकी मिरर इमेज बन जाएगी। ओके, आइए हम लोग चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th पे। इसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि कौन सी बेस्ट बुक होगी जो कि आपके रीजनिंग के प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छी रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 को जल्दी से कंप्लीट करिए, मिरर इमेज बना दीजिए वाइट का, बस इसके बाद फिर आपका कंप्लीट हो गया ये टॉपिक। तो हमें मिरर इमेज ड्रॉ करनी है, तो हमने रखा मिरर को यहाँ पे सबसे लास्ट में जो है उसको सबसे पहले बनाया। टी चेंज होगा नहीं, आई चेंज होगा नहीं, एच भी चेंज नहीं होगा, बस आपको क्या करना है, डब्ल्यू को चेंज करना है। डब्ल्यू भी तो नहीं चेंज होगा, वो भी क्या करेंगे, एज इट इज़ बना देंगे। तो यहाँ पे बस आपने ई को चेंज किया और आपकी वाइट की मिरर इमेज कंप्लीट हो गई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3rd करेक्ट है, जो कि है वाइट की करेक्ट मिरर इमेज। ओके, तो होप्स सो आप लोगों को ये टॉप 10 क्वेश्चन करने में बहुत ही मज़ा आया होगा, वीडियो को आप लोगों ने इन्जॉय भी किया होगा, और अगर आप लोग खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बेटर से आपको समझ में आएगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं आज का, जो आपको बता देते हैं सबसे पहले कि कौन सी बेस्ट बुक है, फिर आपको होमवर्क क्वेश्चन एक प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप स्कूल लेवल पर रीजनिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको बुक लेनी चाहिए ओलंपियाड रीजनिंग वर्क बुक। ये आपको अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग मार्केट में अवेलेबल होती हैं। आप लोगों को जो भी ग्रेड की प्रिपरेशन करनी होगी, ईजिली आप मार्केट में जाइए, क्लास 6 ग्रेड, क्लास 7 ग्रेड, जो भी चाहिए आपको वो मार्केट में आराम से मिल जाएगी। उसको लेकर के आप लोग अपनी रीजनिंग की प्रिपरेशन अच्छे से करो, IMO का फॉर्म अप्लाई करो और उसमें जल्दी से सेलेक्ट हो जाओ। ठीक है, और अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए रीजनिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको बुक लेनी चाहिए अ मॉडर्न अप्रोच टू द वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय द RS अग्रवाल। ये बुक आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ तक अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हुई, अब आप लोग देख लीजिए कि होमवर्क क्वेश्चन क्या है, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना होता है। चूज द अल्टरनेटिव विच इज क्लोजली रिसेम्बलेंस द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। आपको क्या करना है, क्वालिटी का मिरर इमेज बनाना है। तो जल्दी से क्वालिटी का मिरर इमेज बनाइए और इन चारों ऑप्शन में से जो भी करेक्ट होगा कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।